तो यार आपको शायद पता चल ही गया होगा कि मॉर्बियस जो कि जनवरी में ही रिलीज होने वाली थी उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। एंड यार सच में जो हाल है अभी ओमिक्रॉन का उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि इस साल भी बहुत सारे मूवीज डिले होने वाले हैं। एंड मेरे अकॉर्डिंग ये परफेक्ट टाइम है नेटफ्लिक्स के मार्वल सीरीज को बिंज वॉच करने का। ऑब्वियसली नो वे होम में डेयर डेविल दिख गया एंड हॉकी में किंग पिन, तो कौन ही इन कैरेक्टर्स की स्टोरी नहीं जानना चाहेगा। आज यहाँ हम लोग नेटफ्लिक्स के 6 सीरीज डेयर डेविल, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स, आयरन फिस्ट, द पनिशर एंड द डिफेंडर्स के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को जानेंगे कि भाई किस ऑर्डर में ये सीरीज देखनी चाहिए जिससे कि आपको सबसे ज्यादा समझ में आए। साथ ही इन सारे शोज से क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे वो भी बता दूंगा। वैसे हाँ ये भी है कि इन सारे सीरीज को सही ऑर्डर में रिलीज भी किया गया है, मतलब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। और इस ऑर्डर में स्टोरी स्टार्ट होती है डेयर डेविल के सीजन 1 से, तो ये सीरीज सबसे पहले रिलीज हुई थी। एंड मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जितने भी मार्वल के सीरीज बने हैं उसमें ये सबसे टॉप पे है। रीजन ऑब्वियसली इसका स्टोरी बहुत सही है, नेटफ्लिक्स के सीरीज से जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो सब इसमें है, जैसे खून खराब और प्रॉपर स्ट्रीट लेवल एक्शन। वैसे स्ट्रीट लेवल एक्शन हमें हॉकी में देखने को भी मिला, लेकिन यहाँ जो किंग पिन आप देखोगे उसके बाद तो हॉकी के किंग पिन से डिसअपॉइंट ही हो जाओगे। ऑब्वियसली सिंस वो डिज्नी प्लस का सीरीज था तो उन्होंने किंग पिन को बहुत ज्यादा टोन डाउन कर दिया था। तो हाँ मैं सजेस्ट करूंगा कि कुछ देखो ना देखो एटलीस्ट डेयर डेविल देख लेना, जिससे आपको मार्वल के आगे के मूवीज एंड सीरीज समझने में इजी होगा। आगे बढ़े तो डेयर डेविल के सीजन 1 के बाद जेसिका जोन्स का सीजन 1 देखना। एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो ऑब्वियसली खून खराबा एंड नेटफ्लिक्स से जो कुछ भी आप स्पेशली एक्सपेक्ट करते हो वो सब रहेगा। साथ ही हम जेसिका जोन्स के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होंगे एंड कई जगह हमें ल्यूक केज का कैमियो भी मिलेगा। स्पेशल थिंग इज कि नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स में यहाँ फर्स्ट टाइम एक माइंड कंट्रोलिंग सुपर विलन को इंट्रोड्यूस किया गया, वो भी मोर रियलिस्टिक वे में। और जेसिका जोन्स के सुपर पावर्स की बात करें तो इसके पास तो सुपर स्ट्रेंथ है, और स्टोरी की बात करें तो सुपर हीरो से ज्यादा आपको क्राइम ड्रामा वाली फीलिंग आएगी। इसके बाद हम लोग वापस से आएंगे डेयर डेविल पे और देखेंगे इसका सीजन 2, जिसकी स्टोरी सीजन 1 के बाद ही स्टार्ट होती है। अब देखो ऑब्वियस है कि चार्ली कॉक्स के डेयर डेविल से ये शो स्पेशल हो ही जाता है, लेकिन साथ ही इसमें 2 और नए कैरेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, एक इलेक्ट्रा एंड एक पनिशर। एंड भाई डेयर डेविल के तरह ही पनिशर भी फैन फेवरेट हो गया है, इसे आप मच नीडेड एंटी हीरो कह सकते हो। ये कैरेक्टर इतना पॉपुलर हो गया था कि नेटफ्लिक्स ने इसकी एक अलग सीरीज ही बना दी। एंड आज भी फैंस जॉन बंथल के पनिशर का रिटर्न देखना चाहते हैं। वो होता है ना कि आप किसी और एक्टर को इस रोल में इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है ल्यूक केज का सीजन 1। अब आप इस कैरेक्टर से ऑलरेडी जेसिका जोन्स में ही इंट्रोड्यूस हो जाओगे, और सच में ये कितना पलंग तोड़ कैरेक्टर है आप वहीं समझ लोगे, लेकिन इसकी एक प्रॉपर स्टोरी यहीं से देखने को मिलेगी। इस कैरेक्टर की सुपर पावर्स हैं अनब्रेकेबल स्किन। पर्सनली ये शो एवरेज थी, मतलब डेयर डेविल एंड जेसिका जोन्स के नीचे ही है, लेकिन हाँ एक्शन सीन्स अच्छे हैं। साथ ही इसमें महर्षाला अली जैसे एक्टर हैं, तो परफॉर्मेंस एक्टिंग ये सब तो टॉप नॉच होगी ही। हाँ अभी अभी याद आया कि महर्षाला अली एमसीयू में ब्लेड का रोल भी करने वाले हैं, लेकिन बता दूं यार इसका उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है, बस एक्टर सेम है कैरेक्टर्स डिफरेंट है। इसी के बाद नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स के फाइनल कैरेक्टर आयरन फिस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया आयरन फिस्ट सीजन 1 में। इस कैरेक्टर के सुपर पावर्स आपको टाइटल से ही पता चल गए होंगे, और हाँ मैंने ये सीरीज बहुत पहले देखी थी, और जहाँ तक मुझको याद है कि इस सीरीज की स्टार्टिंग स्ट्रॉन्ग थी, थोड़े थोड़े डॉक्टर स्ट्रेंज वाले वाइब भी आएंगे, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है सब कुछ बोरिंग लगने लगता है। ऑनेस्टली बोलूं तो सारे कैरेक्टर्स में सबसे यूनिक पावर इसका था, लेकिन सबसे वीक स्टोरी लाइन इसी की थी। इसलिए आपने नोटिस किया ही होगा कि फैंस सारे कैरेक्टर्स के रिटर्न का डिमांड तो करते हैं, लेकिन आयरन फिस्ट को कोई मेंशन भी नहीं करता। लेकिन फिर भी चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। अब ऑब्वियस है कि इतने सारे सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस कर इनका क्रॉस ओवर तो बनता है, और यही क्रॉस ओवर हमें मिला द डिफेंडर्स में। अब ये एक लिमिटेड सीरीज थी, मतलब इसके बाद इसका कोई सेकंड सीजन नहीं आया, लेकिन मजा जरूर आया। अब देखो कई लोगों को ये सीरीज इतनी पसंद नहीं आई एंड कई लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई। पर्सनली मुझे तो ठीक ठाक लगी थी। ऑब्वियस यार कि इस क्रॉस ओवर से अवेंजर्स लेवल वाला एक्सपेक्टेशंस तो आप रख नहीं सकते, लेकिन फिर भी सारे कैरेक्टर्स सारे सुपर हीरोज को एक साथ देखना, उनका इंटरेक्शन देखना, साथ में फाइट करते देखना इंटरटेनिंग था। लेकिन हाँ ये भी कह सकते हो कि इसी सीरीज के बाद से एक तरह से डाउनफॉल स्टार्ट हो चुका था नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स का। तो यार यहाँ पे कुछ धमाकेदार लाने की जरूरत पड़ी जिससे कि फैंस वापस इस यूनिवर्स से जुड़ पाए, और ये धमाका था पनिशर का सीजन 1। डेयरडेविल इस कैरेक्टर की इतनी फैन फॉलोइंग हो गई कि नेटफ्लिक्स ने राइट मोमेंट पे इस कैरेक्टर को अपना एक सीरीज दे दिया। एक तरह से कह सकते हो कि एक फैन सर्विस थी जिसे फैंस ने पसंद भी किया। अभी तक दिखाए गए सारे सीरीज में सबसे ज्यादा वायलेंट यही था, एंड यार नाम पनिशर है तो एक्सपेक्ट भी वही करोगे ना। हाँ लेकिन इतना खून खराबा शायद क्रिटिक्स को इतना पसंद नहीं आया, लेकिन एज अ फैन स्क्रीन पे पनिशर को देखना
एक ऑसम एक्सपीरियंस था। आगे की स्टोरी बढ़ती है जेसिका जोन्स के सीजन 2 में। अब पता नहीं क्रिटिक्स को जो अच्छा लगता है वो ऑडियंस को अच्छा नहीं लगता। क्रिटिक्स ने इसकी बहुत तारीफ की लेकिन ऑडियंस को ये सीरीज उतनी खास नहीं लगी। इसे आप एवरेज या अबव एवरेज कह सकते हो। अब यहाँ जेसिका जोन्स की फर्स्ट सीजन की स्टोरी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी थी तो सीजन 2 में बिल्कुल ही नई स्टोरी देखने को मिलती है जिसका मोस्टली पिछले स्टोरी लाइन से कोई उतना कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए शायद नॉर्मल ऑडियंस उतना एंटरटेन नहीं हो पाए। फिर अगेन ल्यूक केज का सीजन 2 जो कि मुझे याद है कि मैंने एंजॉय किया था। और भाई ऐसा कैरेक्टर जिसे बुलेट टकरा कर गिर जाए किसे पसंद नहीं आता। एंड अबव ऑल इसमें मल्टीपल विलेंस थे और एक से बढ़कर एक एक्टर्स भी, तो हाँ टॉप नॉच एक्टिंग तो है बट ऑनेस्टली जो इम्पैक्ट डेयर डेविल ने किया था वो रिपीट कर पाना मुश्किल था। लेकिन फिर भी ल्यूक केज का सीजन 2 भी एक इंटरटेनिंग सीजन रहा। देन आगे की स्टोरी आती है आयरन फिस्ट के सीजन 2 में जो कि मेरे अकॉर्डिंग सीजन 1 से तो बेटर था बट स्टिल बाकी सीरीज में सबसे वीक भी। एंड यार ऑब्वियस था कि फर्स्ट सीजन तो सक्सेसफुल हुआ नहीं तो सीजन 2 के लिए ना के बराबर ही लोग रिटर्न किए। रिजल्ट ये हुआ कि नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज को ही कैंसिल कर दिया, विच मीन्स कि सीजन 2 के बाद आयरन फिस्ट हमें देखने को मिला ही नहीं। एंड अगेन इस डाउनफॉल से बचने के लिए आगे स्टोरी कंटिन्यू होती है डेयर डेविल के सीजन 3 में। यहाँ स्टोरी डिफेंडर से आगे कंटिन्यू होती है एंड हमें रिटर्न मिलता है किंग पिन का। एंड यार सब जानते थे कि जब डेयर डेविल एंड किंग पिन आमने सामने हो तो कितना मजा आने वाला है। हम यहाँ एक न्यू कैरेक्टर बुलसाई को भी देखते हैं। एंड भाई सही में डेयर डेविल के तीनों सीजन को एक परफेक्ट ट्रिलॉजी कह सकते हो। एंड इसी सीजन 3 के वजह से नेटफ्लिक्स का यूनिवर्स सर्वाइव कर गया। इसी सक्सेस को रिपीट करते हुए स्टोरी कंटिन्यू हुई पनिशर की सीजन 2 में एंड ये पिछले सीजन से भी बहुत ज्यादा बेटर रहा। एज ऑलवेज जॉन बंथल ने क्या ऑसम पनिशर का कैरेक्टर प्ले किया है। यार मैं क्या ही बोलूं, मैं श्योर हूं कि कुछ हो ना हो आपने ये सीरीज देखी हो या ना देखी हो आपने इसका टी शर्ट जरूर देखा होगा। एंड इन द एंड आया जेसिका जोन्स का सीजन 3। अब पर्सनली बोलूं तो इफ आपको इस कैरेक्टर की स्टोरी पूरी जाननी है तभी ये देखना, नहीं तो स्किप भी कर दोगे तो चलेगा अनलेस एंड अंटिल वो लोग इसको भी एमसीयू में डाल दें। यहाँ तक आते आते ऐसा हो गया था कि समझो डेयर डेविल के सक्सेस को कोई मैच नहीं कर सकता था, कोई रिपीट नहीं कर सकता था। और आगे चलकर 2019 तक नेटफ्लिक्स ने अपने सारे मार्वल की सीरीज को कैंसिल कर दिया। ऑब्वियसली कुछ राइट्स का चक्कर था एंड अभी इन सारे कैरेक्टर्स के राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास है, तो हाँ ये कंफर्म है कि नेटफ्लिक्स पे इन कैरेक्टर्स की सीरीज कंटिन्यू नहीं होने वाली। अब इन सीरीज के मेन एमसीयू से कनेक्शन की बात करें तो इन सब की स्टोरी अवेंजर्स के फर्स्ट मूवी के बाद की है, मतलब न्यूयॉर्क बैटल के बाद की। एंड कई जगह एमसीयू में हुए इवेंट्स को यहाँ मेंशन भी किया जाता है बट फाइनली अब जाकर एमसीयू में हमें कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि डेयर डेविल एंड किंग पिन दिखे हैं। तो हाँ कैरेक्टर्स तो एमसीयू में आ गए हैं बट आई डोंट थिंक सो कि इनकी स्टोरी से ये लोग उतना कनेक्ट करेंगे। फिर भी इफ आपको देखना ही है तो सारे सीरीज देखना बट मेरा पर्सनल सजेशन है कि कुछ देखो ना देखो एटलीस्ट डेयर डेविल का तीनों सीजन देख लेना, सच में यार मजा आ जाएगा। तो यार बस आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताना कि इनमें से कौन कौन सी सीरीज देख चुके हो एंड होप सो कि मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना एंड ऑब्वियसली अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। एमसीयू की पूरी स्टोरी देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड हॉकाई का एपिसोड जिसमें किंग पिन दिखा था उसका ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।